मेरे नौजवान साथियों, जिस समय द्रौपदी की सुंदरता को कीचक ने देखा, उसकी आंखें चकोर बन करके उस गोरी के चेहरे पर टिक गईं। बहन सुदेशना बोली, भैया भैया भैया। ले कीचक कहने लगा, क्यों चीख रही है? पूछ लीजिए भैया, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? कीचक कहने लगा, भोजन तो हो गया है, क्या भोजन में कोई कमी है? जवाब दिया, भोजन में कमी नहीं, कमी तो तेरे आंगन में है। हैं? आंगन क्या टेढ़ा है? कहने लगा, आंगन टेढ़ा नहीं, आंगन में चलने वाली की नजर टेढ़ी है। मैं कुछ समझी नहीं, तो कीचक बोला कि तेरा भैया तुझे समझा भी सकता है। अरे कौन सी नारे महल में डोले जा, मेरे दिल में गई समाई, और दिल आवे सो की मत ले ले जा, गोरी से दिए मिलाई। अरे धोबी की नाद पकड़,
सोच कर लौट गया। सारी बैराट नगरी में ऐसे घूमने लगा दोस्तों जैसे कुआर में कुत्ता मुफार के गली गली में घूमता है। वही हालत कीचड़ की हो गई। और उधर राजमहल में क्या हुआ, दुश्मन आ न जाए। और जैसे ही मैया द्रौपदी ने घड़ा जल का भर करके राजमहल को लौट के चली दोस्तों, बाई गली में कीचड़ सामने से फंसो और चलो अब बिना किवाड़ के किवाड़ लग गए। हाय हाय, जैसे ही द्रौपदी की नजर उस दुष्ट के ऊपर पड़ी सहम गई। आगे बढ़ के कीचड़ बोला, गौरी अरे कंठ तुम्हारो दुश्मन हुए गो तुमसे नीर रहो तो भरवाई और चलो हमारे संग में प्यारी पटरानी तुम बनो हमारी। अरे I'm
को खंद कटे बाती है फिर तो भली करे करता कब बजे, और दोस्तों रात भी नहीं हो पाई, दिन के 4 बजे जाकर कीचक व मठिया में रह परो, लोग सब मच्छर खाएंगे। और ये द्रौपदी रोती हुई धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास में पहुंची, सारा हाल बयान किया कि महाराज विराट के साले कीचक ने कुआ पर मेरी बेइज्जती की है और मैं रात 9 बजे का वादा करके आई हूं, नाथ मेरी रक्षा करो। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अरे दिल अपने धर धीर सबर करके मन को डांटो, विपदा के थोड़े दिवस दुबक के महलन में काटो, खबर दुर्योधन सुन पावे ले हमको पहचान, दंड बन फिर से भिजवावे, फिर दुख बन में पाप जाए। अरे बातें सुन के जब
नौजवान दोस्तों, जब चारों पांडवों से द्रौपदी निराश हो गई, अंतिम केवल भीमसेन की आस थी। भीमसेन की ओर जब द्रौपदी गई है तो दोस्तों उस समय भीमसेन रसोई में काम कर रहे थे, गोरी को आता हुआ देखा अरे आबत देखो जब द्रौपदी को भीमसेन मन करे विचार अरे रूप बिगड़ रहो है रे गोरी को पिन देसी आ गई क्या मां